हेलो, आज हम ऑटो कैड पे ये ड्राइंग पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ड्राइंग है हमारी, हमें सबसे पहले इस ड्राइंग को पढ़ना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, सेंटर क्या देना है, राइट। तो सबसे पहले हमने एक सेंटर बनाया, ओके। तो हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन, एक वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे अपना एक सेंटर क्रिएट कर लिया है। एंड आपने ये देखेंगे कि जो हमारा आउटर सर्कल है कितना डायमीटर है, 50। तो हमने सर्कल लिया यहाँ पे और हमने डायमीटर 50, ओके। एंड अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर एक पीसीडी पे 6 होल्स हैं, 3 डायमीटर, और पीसीडी हमारी कितनी है, 14। तो यहाँ से हमने एक ऑफसेट देना है, ऑफसेट हमारा है यहाँ पे 10 mm, ओके। तो ऑफसेट सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। सर्कल, आउटर सर्कल हमारा कितना है यहाँ पे, 20 डायमीटर। तो हमारा ये 20 डायमीटर का सर्कल हो गया। एंड जो इनर डायमीटर है हमारा, ये हमारा यहाँ पे है 8, ओके। पीसीडी हमारी यहाँ पे है कितनी, 14। तो पीसीडी हम यहाँ पे ले लेंगे 14। पीसीडी क्या होती है, पी सर्किलो डायमीटर, ओके। तो यहाँ पे सर्कल हमने ड्रॉ किया, जो हमारे होल हैं, होल हमारा यहाँ पे कितना डायमीटर है, 3, क्लियर। तो अभी भी यहाँ पे हमने क्या लेना है, एरे लेना है, ठीक है। एरे हमने इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया एंड पोलर एरे, और सेंटर हमारे यहाँ पे 6 होल ड्रॉ हो गए। एंड अभी हम ये यहाँ पे देखेंगे कि 10 ऑफसेट लगा के एक यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। तो हमने लिया सर्कल, और यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इनसाइड रेडियस है, ये हमारा 15 रेडियस है, ठीक है। तो हमने ये सेंटर दिया हुआ है, इस सेंटर से हमने क्या लिया, ठीक है, 15। फिर जो हमारा ये आउटर में है, ये हमारा कितना है, 20। 20 का जो सेंटर है वो यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा 50 डायमीटर है, उसका जो सेंटर है, वहाँ से हमें ये 20 का रेडियस देना है, ठीक है। 20 का सेंटर हो गया, क्लियर है। और हमने एक ऑफसेट यहाँ पे देना है, 10 mm का है, तो 5 mm का हो गया दोनों साइड। तो ये हमने यहाँ से 5 mm का एक ऑफसेट यहाँ पे एंटर कर दिया। फिलेट लेंगे, ठीक है। फिलेट हमारा कितना यहाँ पे है, 2, ठीक है। रेडियस हमने यहाँ पे ले लिया 2, ये हमारा यहाँ पे 2 रेडियस हो गया। हमने यहाँ पे ये भी हमारा 2, और ये भी हमारा यहाँ पे 2 रेडियस हो गया। एंड हमने क्या लेना है, यहाँ पे ट्रिम लेना है, ठीक है। ये हमने यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। एंड देन हमने जो भी हमारे ये सर्कल्स हैं, इनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। एंड अब अपन क्या करना है, यहाँ पे इसको हम मिरर कर देंगे, ठीक है। हमने मिरर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया एंड मिरर लाइन, ओके। ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। एंड अब हम यहाँ पे ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आउटर सर्कल 30 डायमीटर, इनर सर्कल 20 डायमीटर, एंड डिस्टेंस 80, और एंगल हमारा कितना है, 129, ओके। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल से पहले हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये हमारा यहाँ से सेंटर हो गया, क्लियर है। यहाँ से हमारा सेंटर हमने ले लिया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 80 mm का, ओके। एंड अब आपको XL कंस्ट्रक्शन लाइन में एंगल देना है। एंगल हमारा कितना आएगा, 120। एंगल हमारा आएगा -129, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एंगल हो गया, ओके। और अब आप यहाँ से सर्कल लेंगे, ठीक है। डायमीटर, आउटर डायमीटर 30 mm, इनर डायमीटर हमारा कितना है, 20 mm, ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेडियस है 100 का, तो हमने क्या लेना है, फिलेट, राइट क्लिक रेडियस, फिलेट में हमें रेडियस देना है कितना, 100। तो ये एंड ये, ठीक है, क्लियर है। आप इस सर्कल को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। फिर वापस हमने फिलेट लिया, और रेडियस हमारा यहाँ पे आपने पहले से लिया हुआ है 100, ये भी हमारा यहाँ पे फिलेट हो गया 100, ठीक
ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। एंड अब हम जो इस सेकंड जो हमारा प्रोफाइल है, ये डिस्टेंस दिया इसने कितना 62, ऑफसेट लेंगे हम कितना 62, तो ये हमारा यहाँ से 62, ओके। सर्कल हमने ड्रॉ करना है, आउटर सर्कल हमारा 30, इनर सर्कल हमारा कितना हो गया 20, राइट। अब आपको यहाँ से फिलेट लेना है, फिलेट हमारा रेडियस कितना है, यहाँ पे हमारा रेडियस है 50, ठीक है। तो रेडियस हमने लेना है यहाँ पे 50, फर्स्ट सेकंड एंड देन फर्स्ट सेकंड, राइट। इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। एंड वो हम यहाँ पे जो भी हमारा इसमें ट्रिम पोर्शन है उसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, TRI, यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर। हम डायमेंशन चेक करेंगे, यहाँ पे एनोटेशन में जाएंगे एंड यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया और लीनियर डायमेंशन, जो भी हमारे यहाँ पे लीनियर डायमेंशन है उसको हम यहाँ से चेक करेंगे। इसमें हम पूरा इसको डायमेंशन यहाँ पे शो कर देंगे, ओके, थैंक यू।